इस पर्व के निमित्त में हमारे डॉक्टर राहुल साहू जी ने सुबोध सपना सुबोध चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये कार्यक्रम नहीं है, लगभग सभी त्योहारों पर जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति में त्योहार आते हैं वो सभी त्योहारों पर उनका ये कोशिश प्रयास रहता है कि सभी हम उस त्योहार को हम ही नहीं मनाएं, हमारे जितने आसपास के भाई बहन हैं, हमारे परिवारजन हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में एक नारायण श्री कृष्ण ने कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम का जो सूत्र दिया है उसका अर्थ होता है कि हमारा परिवार सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और उसी सूत्र को आत्मसात करते हुए डॉक्टर राहुल साहू जी, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, पूरा उनका ये प्रयास रहता है कि हम सब मिलकर जो भी हमारे साल भर में जो त्योहार आते हैं सभी प्रत्येक त्योहारों को हम सब मिलकर साथ में मनाएं, ये उनका प्रयास रहता है, जो बहुत ही ये अच्छा है, बहुत ही सुखद है। आज ऐसे ही एक मकर संक्रांति का ये त्योहार, कहा जाता है कि मकर संक्रांति जो हम मनाते हैं, आज से मकर संक्रांति का अर्थ है कि जो सूर्य देवता की हम उपासना करते हैं और आज से जो हम सपने देखते हैं, आज इसमें अभी तक जो सपने देखते थे लेकिन अब जो आज कल मतलब आज से जो सपने देखेंगे वो अब हकीकत में परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि ये सूर्य नारायण की उपासना का इतना फल है, क्योंकि उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे इसीलिए हम उनकी आराधना उपासना करते हैं। और ये अवसर है हम सब मिलकर उनकी आराधना उनकी कृपा, क्योंकि ये प्रकृति और संस्कृति संवर्धन का दोनों का पर्व है, और इसी निमित्त आज हम सब यहाँ पर डॉक्टर राहुल साहू जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया आप सबसे मिलने का, और आपके साथ में पर्व मनाने की जो खुशी है उसको आपस में शेयर कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इससे बड़ा और खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती है। हम आप सबको इस मकर संक्रांति के पावन अवसर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही प्रभु से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो, आपके घर में हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ऐसे ही आप लोग जीवन में प्रगति और उन्नति स्वस्थ रहें, मेरी मंगल कामना है। क्योंकि जहां दवा काम नहीं आती है वहां दुआ काम आती है। अगर किसी के परिवार में कुछ तकलीफ हो जाती है, डॉक्टर कह देते हैं कि आप मुश्किल है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अचानक से एक चमत्कार होता है। चमत्कार क्या है पता है आपको? क्या है चमत्कार? ये है कि जो आपने अच्छे काम से जो दुआएं संचित की हैं, इकट्ठी की हैं, वो उसका फल आपको मिल जाता है, वो चमत्कार को श्रेणी में आ जाता है। यही अच्छे समय है कि हम सब एक अच्छे देश के नागरिक बनके समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम सभी मिलकर प्रभु की जो जिस अपने आराध्य को मानते हैं उन सबकी आराधना करें, और सबके लिए सबके सुखों का सबके हितों का ध्यान रखें। ये पर्व हम सभी को ये शिक्षा देता है, और आप सभी के लिए आप सब यहाँ पर आए बहुत खुशी हुई। जय महाराज। चाहेंगे सपना सुबोध साहू जी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये ट्रस्ट जो है, संस्था जो है, ये सिर्फ मकर संक्रांति को ही अच्छी धूमधाम से लोगों के बीच नहीं मनाती, बल्कि साल भर में जितने भी त्यौहार आते हैं वो सभी के साथ मिलकर मनाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। और ऐसी संस्थाएं जो हैं ये सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में अगर ऐसी संस्थाएं पूरे तन्मयता के साथ जो कार्य करती हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, रह चुके हैं, और जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत अनोखे कार्य किए हैं, और उनके ही पिताजी के अपने जो इनके पिताश्री हैं उनके पद चिन्हों पर चल के ये उनका स्वाभिमान है, और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि राहुल साहू जी इतने अच्छे कार्य करते हैं, और इनकी पूरी टीम के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं हैं।
धन्यवाद भाई। सर आप आइए साथ, सर साथ में सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और गुरुजी यहाँ पर शामिल हुए कार्यक्रम में? गुरुजी यहाँ पर शामिल हुए ये तो हमारा सौभाग्य है और इतने सारे लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया वो इन सब लोगों का एक अहोभाग्य है। जैसे ट्रस्ट का नाम है सपना सुबोध साहू जी, हमारे पूजनीय माता जी और पिताजी के नाम पर है। ये तो हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पिताजी माजी मंत्री सुबोध साहू जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए जो हम शायद कभी कर भी नहीं पाए। उन्होंने ट्रक में भर के गांव-गांव के अपंग लोगों को गांव से मुंबई में 500 किलोमीटर दूर तक लेके आके किसी को हाथ दिलाया, किसी को पैर दिलाया कि जो कर सकते गौर गरीब जनता की सेवा की। 1000 रक्तदान बॉटल शिविर जो बोल रक्तदान शिविर अरेंज करके 1000 बॉटल रक्तदान करवाया। इतना ही नहीं तो उन्होंने 10,000 के ऊपर कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाए। हर बार जितने भी विदर्भ में आत्महत्या होती है अभी तक 41 पीपल को 10,000 रुपीज कैश उन्होंने अपने जेब से मदद दी। तो ये सब चीज़ हम बचपन से देखते हुए हैं। गोर गरीबों की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेंगे तो ही जीवन सफल होगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ में है तो ही हम सफल हो सकते हैं, ये इसका कोई किसी के मन में इसका दूजा भाव नहीं है। इसलिए हम डॉक्टरी करते हैं लेकिन भाई जी जैसे साधु संत महात्मा लोगों का आशीर्वाद साथ में है तो ही कुछ जीवन में अच्छा मार्ग मिलेगा, जीवन सफल होगा, ये जानते हैं। इसी का एक छोटा सा प्रयास आज हमने। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो क्या था, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? ये संक्रांति का कार्यक्रम था। संक्रांति जैसे सर्व धर्म में मनाया जाता है, सिर्फ भारत में नहीं नेपाल में मनाया जाता है। और इस दिन पर अगर आप दान दो, आप खुशी बांटो तो आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होता है। इसी हेतु से हमने आज ये जो बच्चे आए उनके आनंद में कुछ, उनके जीवन में कुछ आनंद आया। आजकल आप देख रहे हो कि बच्चे सिर्फ मोबाइल गेम में पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि काइट फ्लाइंग क्या होती है, कबड्डी क्या होती है। और ये सब माँ बाप की भी थोड़ी बहुत गलती है, हम लोग भी उनको ये सब नहीं सिखाते हैं। आज की महंगाई के दौर में लोग चाहते हैं कि ये सब फजूल खर्चा है, तो इसलिए हमने उनके जीवन में कुछ आनंद आए इसलिए उनको पतंग दी। महिलाओं को यहाँ पे हमारे साथ मैथिली अगस्ती मैडम है जो साक्षरता फाउंडेशन चलाती है, उन्होंने कुछ भेंट वस्तु लाई ताकि उनकी भी खुशी बढ़े और उनके जीवन में आनंद हो। और इसके साथ साथ हमारा भी जो सपना है, हमारा ये सपना है कि सभी धर्म पंथ एक साथ रहे, इन सब लोग खुशी से रहे ताकि अपने आजू बाजू में कोई दुख न हो तो हम लोग दुखी ना रहे। इसमें हमारा ये स्वार्थ है कि अपने आजू बाजू में खुशी रहे ताकि हम लोग खुश रहे। आज राहुल जी ने हमें यहाँ बुलाया था मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन करने के लिए, तो आए तो हमें कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ है। और बहुत खुशी हुई कि राहुल जी के पापा का एक ये था कि सुबोध जी का सपना था कि जन सेवा और अपना है, तो वो राहुल जी कंटिन्यू करें, इसके लिए बहुत हम उनको और भी शुभेच्छा दें, ऐसे कार्य हर वक्त करते रहे और हम चाहते हैं कि हम ऐसे कार्यों में उनके साथ, हम सब उनके साथ जुड़े रहें। मैडम आप कहेंगे चल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई है कहते हैं। मैथिली अगस्ती साक्षरता फाउंडेशन ने चालू के लिए आणि आमच्या फाउंडेशनच्या अंडर आम्ही बरेच प्रोग्रॅम्स करत असतो, अंडर प्रिव्हिलेज चिल्ड्रन एड्युकेशन, एम्पावरिंग वुमेन, सोशल कॉजेस। आज मकर संक्रांती, सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि आय थँक डॉक्टर राहुल सावजी की त्यांनी मला इथे बोलवून या सगळ्या लहान मुलांसोबत आणि सगळ्या महिलांसोबत छोटा प्रोग्राम करून आनंद वाटण्याचं त्यांनी मला एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली। आम्ही इथे छोट्या मुलांना पतंग आणि थोडं साड्या सगळं वाटून त्यांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा। आपकी संस्था की तरफ से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? हाँ, आम्ही त्यांना साड्या वाटल्या महिलांना सगळ्यांना। मैं डॉक्टर गायत्री तिवारी हूँ और मैं फिफ्टी फ्लोर मेम्बर हूँ, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इतने बड़े दिन में, मकर संक्रांति के दिन में, थैंक्स टू लीना जी एंड डॉक्टर राहुल जी दैट मैं इस पार्ट में जो सेलिब्रेशन है उसमें मैं आ सकी हूँ। और ये हमारे इंडियन कल्चर का काफ़ी बढ़िया तरीका है
कि हम हर प्रांत के लोगों का सेलिब्रेट करते हैं, किसी से हम लोगों को बैर नहीं है, और ये चीज़ डॉक्टर राहुल जी इज़ कंटिन्यूइंग ब्यूटिफुली एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी. थैंक यू सो मच.